नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। वैसे तो पोस्ट ऑफिस की एजेंसी को लेकर लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, आप भी पोस्ट ऑफिस की एजेंसी को लेकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एजेंसी एक पार्ट टाइम जॉब की तरह होती है। यदि आप कोई बिजनेस में हैं या कोई और वर्क आप करते हैं उसके साथ साथ आप पोस्ट ऑफिस की एजेंसी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के एजेंट का क्या वर्क होता है, किस तरह आपको वर्क करना होता है। घर बैठे ही दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सभी नई जानकारियां, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की नई जानकारियां आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी इसी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि आप भी पोस्ट ऑफिस की नई अपडेट से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में दो प्रकार की एजेंसी होती है। पहला एजेंसी है आवर्ती जमा खाता, या जिसे रेकरिंग डिपॉजिट या शॉर्ट फॉर्म में RD भी कहते हैं, और दूसरी एजेंसी है फिक्स डिपॉजिट की एजेंसी, जिसके अंतर्गत आपको किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट करने की सुविधा भी देती है सरकार। पोस्ट ऑफिस की RD एजेंसी को MPKBY भी कहते हैं। यदि आप RD की एजेंसी लेते हैं तो आपको RD अकाउंट ओपन करवाना होता है। RD अकाउंट 5 साल की स्कीम होती है, तो आपको आपके द्वारा खोले गए RD अकाउंट में अगले 5 सालों तक ग्राहक द्वारा रुपया लेकर पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना होता है। आप जितना ज़्यादा RD अकाउंट ओपन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कमीशन आगे बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि RD अकाउंट 5 साल की स्कीम होती है, तो आपके द्वारा खोले गए RD अकाउंट जितने सालों तक चलेगी उतने साल आपको 4% की दर से कमीशन मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पोस्ट ऑफिस की RD एजेंसी की। अब आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट एजेंसी के बारे में। पोस्ट ऑफिस की एजेंसी की और भी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट एजेंसी के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट एजेंसी को SAS की एजेंसी भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट एजेंसी में आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट या मंथली इनकम स्कीम में FD करवाना होता है। इन सारे फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपके द्वारा किए गए FD अमाउंट पर 0.5% का कमीशन एक ही बार मिलता है। आप जितनी बार फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी बार आपको कमीशन मिलता ही रहेगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। यदि आपने किसी व्यक्ति का 1,00,000 रुपये का FD किया है तो आपको 500 रुपये कमीशन एक ही बार मिलेगा। यदि आपने दूसरी व्यक्ति का 1,00,000 का FD किया है तो आपको उस FD में फिर 500 रुपये कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, आप जितनी बार FD करेंगे उतनी बार ही आपको कमीशन मिलता ही रहेगा। दोस्तों, अभी पोस्ट ऑफिस की एजेंसी में 3.75% का TDS काटा जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी? पोस्ट ऑफिस की और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की नई अपडेट्स जानने के लिए आप अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, यह बिल्कुल ही मुफ्त है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।